मुझे बेहद अफसोस है कि उदयपुर में एक दर्जी की बहुत बेरहमी से हत्या की गई। दो लड़कों ने मारा और वो जाके पकड़े गए जिस जगह पकड़े गए राजसमंद में, वहां 3 बरस पहले एक बंगाल के मजदूर की हत्या हुई थी इसी बेरहमी से। यह हमारे मुल्क का निजाम कुछ ऐसा बन गया है कि हमारे मुल्क में जुनूनी खड़े हो जाते हैं और मजदूरों की कत्ल करते हैं। ये बहुत ही खौफनाक बात है। और इसका फायदा किसको होता है कि जो बड़े बड़े तूफान खड़े कर देते हैं इसकी आड़ में और हुकूमत हासिल करते हैं, मुल्क में शोषण बढ़ाते हैं। लिहाजा इस पर गौर किया जाए, कभी लोग बहके नहीं। ये कम्युनिटीज को दोष ना दें कि ये हत्यारे मुसलमान थे कि हिंदू थे, कातिल कातिल होता है। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इनको शह दी जाती है कुछ लोगों से, तो एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि इसकी आड़ में हमारे केरल के गवर्नर साहब आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि साहब ये जो मदरसे हैं, मदरसों में ऐसे लोग पैदा होते हैं, इससे घटिया और सड़ी बात दूसरी नहीं हो सकती, इसका फायदा उठाया। फौरन एक तूफान मचा रखा है जो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी लोग अमेरिका में रहते हैं जो नफरत से भरे हैं वो, कि साहब हिंदुस्तान में 8 लाख मदरसे उनको बंद कराना जरूरी है। यानी पूरी कम्युनिटी पर पिल पड़े हैं, जहां पर मुश्किल से लोग बसर कर रहे हैं, ईमान की रोटी खा रहे हैं और इंसानियत जी रहे हैं, उन पर तोहमत लगाना, उनको दबाना, कुचलना, इस दुर्भावना का एक उभार सा आ गया है। मैं चाहता हूं कि हम लोग इसको रोकें। बहुत बहुत शुक्रिया।